हाल ही में बागी वन आए थे, जिसमें टाइगर श्रॉफ की काम की काफी तारीफ की। वहीं पर बागी टू ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल रही। उसके बाद हमने आपको हाल ही में बताया था कि टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नाम अनाउंस कर दिया गया है और फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं पुनीत मल्होत्रा जी, हाँ, जिन्होंने हाल ही में आई हेड लव स्टोरी, गोरे तेरे प्यार में जैसी दो बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिलहाल बताया जा रहा है टाइगर श्रॉफ के साथ अनाया पांडे नजर आने वाली हैं, जो कि बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। वहीं पर अनाया पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं और इस फिल्म का बजट भी काफी हाई फाई होने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ होने वाला है। बागी टू का बजट 45 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म का बजट 70 करोड़ होने वाला है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। तो दोस्तों, आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में इस फिल्म को लेकर।